S-400 पर अमेरिका से आई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब भारत के S-400 के लिए प्रतिबंध नहीं लगाएगा अमेरिका, बदल दिया अपना कानून। पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक, आतंकियों को पालने की पाकिस्तान को मिली सजा। जी हाँ, आज इन टॉपिक पर विस्तार से हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे के बीच भारत को जल्दी रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं। इसके लिए भारतीय वायुसेना की चीफ एयर चीफ मार्शल V.R. चौधरी ने पिछले दिनों कहा था कि रूस में निर्मित यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में S-400 के भारत आने की बढ़ती संभावना के बीच अमेरिका से बड़ा झटका लगने की भी आशंका बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जो अब अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है, उससे यह संकेत मिल रहा है कि भारत के S-400 को अमेरिका ने हरी झंडी दिखा दी है और चीन का सत्यानाश करने के लिए भारत रूस के इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। हालांकि दोस्तों, पहले अमेरिका रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कड़ा विरोध कर रहा था। अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। यही वजह है कि भारत ने कई बार अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि वह रूस के साथ अपनी डील पर आगे बढ़ेगा। भारत के इस रुख से अब अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन जो अब खबर निकल कर आ रही है, उसने भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ, अब अमेरिका भारत के समर्थन में अपना कानून बदलने के लिए तैयार हो गया है। बाइडेन प्रशासन इस प्रकार के फैसले से बचने के लिए आगे आ रहा है। दरअसल, अमेरिका के दो शक्तिशाली सीनेटरों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से सतह से हवा में मार करने वाले रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट स्कास्टा के प्रावधानों को लागू नहीं करने का आग्रह किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर मार्क वार्नर और रिपब्लिक पार्टी के जॉन कॉर्निंग ने मंगलवार को राष्ट्रपति बाइडेन को लिखे एक पत्र में भारत को कास्टा के तहत राष्ट्रीय हित में छूट देने का आग्रह किया। सीनेटरों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है। इस वक्त अमेरिका में दो फाड़ हो गए हैं, जहां एक धड़ा भारत के समर्थन में बोल रहा है तो दूसरा भारत पर कास्टा लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाने में लगा है। इसलिए अमेरिका भी धर्म संकट में है, क्योंकि चीन और तालिबान के खात्मे के लिए भारत भी अहम भूमिका के अंदर है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के योगदान को अमेरिका नहीं भूल सकता है। अमेरिका कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेगा, तभी जाकर अच्छा निष्कर्ष निकाल सकता है। इसलिए अब अमेरिका अपने कानून में बदलाव के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका का यह कास्टा कानून राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में प्रतिबंधों को लागू करने में अतिरिक्त विवेक इस्तेमाल करने का अधिकार देता है, जिसमें छूट देने से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को बढ़ावा मिलता हो। साथ ही इन सीनेटरों ने कहा कि आप भारत को रूस से हथियार खरीदने के लिए सलाह दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के कोई भी दबाव में नहीं आएगा। उसके देश की रक्षा सर्वोपरि है, इसलिए कोई भी कानून देश की संप्रभुता और अखंडता के आड़े नहीं आ सकता। दोस्तों, आज भारत की विदेश नीति के कारण अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के शक्तिशाली सीनेटर भारत के पक्ष में आ खड़े हुए हैं, और अमेरिका को अपने कानून में बदलाव के बare में सोचना पड़ रहा है। और अमेरिका ऐसे S-400 को हरी झंडी देने के लिए अपने कानून में बदलाव के लिए भी राजी हो गया है। दरअसल, भारत की चिंता को समझते हुए रूस के साथ भारत के हथियारों को व्यापार की छूट देने के लिए कहा जा रहा है। बता दूं कि भारत ने अक्टूबर 2018 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए रूस से वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए $5 अरब के करार पर हस्ताक्षर किए थे। तब ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कास्टा के तहत पाबंदी लगाने की चेतावनी दी थी। वहीं जो बाइडेन भी रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बता चुके हैं, और वे तुर्की के भी S-400 खरीदने पर विरोध कर चुके हैं, जो नाटो का सदस्य देश भी है। दोस्तों, भारत रूस से $5.4 अरब के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है। माना जा रहा है कि इस साल नवंबर महीने में इसकी आपूर्ति शुरू हो सकती है। यही नहीं, भारत रूस के हथियारों का बहुत बड़ा ग्राहक है। हाल ही में चीन ने भी भारतीय सीमा के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था। इस वजह से भारत को इस सिस्टम की और ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। भारत ने अमेरिका को दो टूक बता दिया है कि वह इस सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। भारत रूस ही नहीं, अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है।
हालांकि अभी भी भारत की 60% हथियार रूसी है, इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है क्योंकि भारत ने हथियार अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से ज्यादा खरीद रहा है। रूस से अमेरिका इसी कारण जलता है क्योंकि वह अमेरिका की टक्कर में हथियारों का निर्यात करता है और अमेरिका की मंशा यही है कि वह दुनिया में केवल अकेला कमाए, इसलिए वह लगातार अनेकों कानून बनाता रहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि काष्टा एक सख्त अमेरिकी कानून है जो प्रशासन को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है जो 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के बाद भी रूस के प्रमुख रक्षा हार्डवेयर खरीदते हैं। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि तुर्की भी अमेरिका की चेतावनियों के बावजूद रूस से अधिक मिसाइल खरीद सकता है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा था कि वे दूसरी रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा था कि तुर्की को अपनी रक्षा प्रणाली के संबंध में खुद फैसला करना होगा। आतंकियों को पालने की सजा भुगत रहा पाकिस्तान। अफगान सीमा के पास पुलिस टीम पर हुआ हमला, कई लोगों की मौत। दोस्तों आतंक को पालकर पाकिस्तान आज उसका दंश झेल रहा है। पाकिस्तान इसको खत्म करने की बजाय निर्दोषों की जान ले रहा है। आतंक की वजह से पाकिस्तान में हर रोज कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा भारत पर ब्लेम करता है कि भारत प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेलता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का निंदनीय काम कश्मीर में भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पाकिस्तान का सीना छलनी छलनी कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान में मातम का माहौल है। अब तक का सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तान पर हुआ है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने मंगलवार की रात एक पुलिस गश्ती टीम पर हमला कर दिया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। बता दूं कि पाकिस्तान में हाल ही के वर्षों में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए हैं जिनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। ये हमले तब से ज्यादा बढ़ गए हैं जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है। पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान तालिबान के आतंकी मौजूद है। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा ही अफगानिस्तान तालिबान का साथ देता आया है, लेकिन वो पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। तालिबान का शासन लौटते ही अफगानिस्तान की जेल से टीटीपी के कई लोगों को रिहा किया गया है। इसके बाद से पाकिस्तान के लिए अपने ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था संभालना काफी मुश्किल हो गया है। उसने इस संबंध में अफगान तालिबान से मदद भी मांगी थी, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। पाकिस्तान पर टीटीपी लगातार एक से बढ़कर एक हमले को अंजाम दे रहा है। इस महीने की शुरुआत में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में 35 से अधिक आतंकी हमले हुए हैं। चरमपंथी संगठनों के कारण पाकिस्तान के व्यापार और निवेश को भी नुकसान पहुंच रहा है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़ों में बताया गया है कि अगस्त महीने में देश में 35 से अधिक हमले हुए हैं और इसमें कम से कम 52 नागरिकों की मौत हुई है। यह संख्या फरवरी 2017 के बाद सबसे बड़ी है। इनमें से अधिकतर हमलों को TLP ने ही अंजाम दिया है।